ये पौधा आक का पौधा है, इसके ये जो है ना फूल हैं, ये जो हिस्सा है फूल का, इसको बलूची में तो हम लोग फुंदड़ी कहते हैं। एक वक़्त में हम जब छोटे थे, इनका भी एक बड़ा टेस्टी सालन बनाया जाता था इनका। और ये इसका बीज है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये है तो आम की तरह, इसमें ये दूध है। और जब हम छोटे होते थे तो इसको खोल के इसके अंदर इसके जो बीज और उसमें एक फूल टाइप का होता था, लाइट वेट फूल सफ़ेद का, बस जो ही हाथ से खुलता था हवा में वो तैरता था। तो कुदरत ने एक ऐसा इसके सिस्टम को, इसकी जीन्स को आगे फैलाने के लिए, तो वो हवा में तैरते तैरते इधर गिरते थे उधर गिरते थे, हर जगह फिर इस किस्म के ये जो है ना उगते थे। इसको हमारे भेड़ खाते हैं, इसको ऊँट खाता है, इसको बाकी जानवर इसके ज़्यादा नहीं खाते। ये वैसे लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं, मैंने खुद ट्राई किया, ख़ास मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ा। इसके जो ये पत्ते हैं, ये बड़े ये जो पत्ते हैं, इनको अगर तोड़ें भी इनसे, तो इनको तेल में गर्म करके, कहते हैं घुटने पे जो है ना अगर इनको बांधा जाए तो घुटनों का जो दर्द है उसके लिए ये एक मौसर है। अब अल्लाह जानता है कहाँ तक दुरुस्त है। ये जो है ना इसके फूल हैं, बड़ा खूबसूरत दरख्त है। और एक इसमें अल्लाह ताला ने इतना बड़ा हिकमत डाला है, ये जो दूध इसका टपक रहा है, बल्कि इसको मैं ये देखें, ये दूध है। इस दूध को किसी प्याले में जमा करते हैं, इस दूध को ये देखो यहाँ जाने ये भर गया। ये दूध को किसी प्याले में जमा करते हैं, थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल डाल के इसको मिक्स करते हैं। कोई भी हड्डी टूटा हो जानवर का, ख़ासकर जानवरों के लिए तो बहुत लोगों ने इलाज किया, मेरे वाले साहब भी करते थे जो है वो हिकमत का काम करते थे। आदमी का भी अगर हाथ वगैरह टूट जाए या पाँव टूट जाए तो इसके दूध को और सरसों के तेल को मिक्स करके उस पर जो है ना लपेटें, उस जगह पे उसका करके प्लास्टर बांधें, तो ऐसा होगा जैसे सीमेंट के साथ जो है ना आपने उसके हाथ को जोड़ा, सीमेंट की तरह जो है ना पकड़ लेता है। ये तो कन्फर्म है इसका हिकमत। बाकी अल्लाह जानता है बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, अल्लाह ने ये चीज़ जो बनाया हुआ है तो हिकमत से भरा हुआ है। ये खूबसूरत सा है, बहुत बड़ा है, तो मुझे दूर जाना पड़ रहा है इसको जो है ना दिखाने के लिए। प्यारे प्यारे फूल हैं इसके अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पर भी जो है ना ये शहद की मक्खियाँ आते हैं, इससे भी पोलन, ये जो है ना पोलन उठा रहा है, ये शहद की मक्खी है, ये है, ये उड़ गए। तो शहद की मक्खियाँ बहुत हैं ऊपर, ये देखिए ये सारे जो है ना इसे पोलन जो है ना इसका निकाल रहे हैं। तो सिर्फ अगर इसी का हो तो इसका भी शायद जो है ना बड़ा हिकमत वाला शायद बन जाता है, क्योंकि ये पूरे का पूरा दवाई है। ये शहद की मक्खी देखें इससे रस चूस रहा है। ये साथ जो है ना फिर एक दूसरा बेर का दरख्त, मेरा दामाद बता रहा है कि इसके जो है ना बिल्कुल ऐसे मक्खन की तरह नरम और मीठे हैं। ये देखें ये शहद की मक्खियाँ हैं। चलो बेटा उसको थोड़ा सा होता, ये सारे नीचे तीतरों ने वो किया है, इसका तोड़ो। वाह 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 वाह, अड़े वाह अड़े वाह वाह अड़े वाह, जबरदस्त यार, बहुत मीठे हैं कसम में।
ये है बाहर निकलने का फायदा, नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल आबो हवा।